बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कटे मसाले का मटन कीमा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम प्याज को काट लेंगे, अदरक लहसुन को थोड़ा सा पेस्ट वो कर लेंगे, कूट लेंगे, और नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च, लौंग, और ये कीमा है जिसको साफ़ करके इसको कीमा को बना लिए, गोश्त को, हरी मिर्च, श्याम मिर्च और लौंग, पीली में ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसको प्याज को फ्राई करेंगे। अब इसमें प्याज में साथ में क्या कहते हैं हम, लौंग और श्याम मिर्च भी डाल देंगे, ज़ीरा, ये चीज़ें एक साथ फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन कुटावा वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे, और ये कीमा है, कीमा ये इसलिए कि हमने इसको साफ़ करके धो के इसको फ्रिज में रख दिया था, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे इसमें, और साथ ही ये मसाले डाल देंगे, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च और कटी हुई, और साथ इसमें हम टमाटर काट के ऐड कर देंगे। ये कटे मसाले का या खड़े मसाले का कीमा है, तो खड़ा मसाले का भी कीमा कहते हैं लोग, तो ये मटन कीमा है हम बना रहे हैं। इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। ये कीमा पक के तैयार हो जाए, गल जाएगा, तो इस पर ये देखें ऑयल आना शुरू हो जाएगा, और ये कीमे को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। कीमा ये तैयार है, इसको अब हम डिश आउट करेंगे। ये हमारा, हमने क्या कहते हैं, मटन कीमा कटे मसाले का तैयार है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।